बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पीएसटी टीचर्स जो हैं वो सिंगल नेशनल करिकुलम के एलएमएस के अंदर कैसे अपने आप को लॉगिन करेंगे, एसएनसी एलएमएस को कैसे यूज़ करेंगे, इसके अलावा टीम सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे, इसमें कैसे लॉगिन होंगे, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम ये वेबसाइट ओपन करेंगे snc.punjab.gov.pk, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले ऊपर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद वो आपसे ये चीज़ पूछेगा कि यूज़ योर सिस आईडी एंड पासवर्ड टू लॉगिन। आप क्या काम करेंगे कि जो एलएमएस वाला इंटरफेस है, जो एलएमएस वाला पेज है, इसमें लॉगिन करने के बाद आप अपना सिस वाला आईडी और पासवर्ड इसके अंदर एंटर कर देंगे। जब आप इस पे एंटर करेंगे आईडी और पासवर्ड, तो आपके सामने ये कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। वो आपसे कहेगा कि इन में से आप कोई एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें। साइंस, आर्ट्स और जनरल, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं। साइंस वाले, साइंस और मैथ वाले, ये ऊपर वाला जो सबसे ऊपर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो आर्ट्स वाले हैं वो इस्लामियत, इंग्लिश, उर्दू में से सिलेक्ट करेंगे, इसमें इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और जो जनरल वाले हैं वो नीचे तीसरा जो ऑप्शन आ रही उसको क्लिक कर लेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ तक तो हो गया ये एलएमएस का काम, ये इतना ही काम अभी आपने करना था उसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले अब आ जाएं माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ। तो आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में या फिर अपने लैपटॉप में, तो वहाँ से जाके ये माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है उसको इंस्टॉल करना है। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर राइट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो ये कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। इसको आपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, तो आपके सामने कुछ इस किस्म का पेज आएगा। इसमें आपने साइन इन के ऊपर जाना है, आपने साइन अप पे नहीं जाना, साइन इन पे जाना है। बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स जो हैं या हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं ये मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो साइन अप पे चले जाते हैं। आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके दिया हुआ है कायद की तरफ से, आपको तमाम जो अकाउंट्स हैं वो क्रिएट कर दिए गए हैं। अब आपके सामने कुछ इस किस्म का आपका आईडी जो @kai.edu.pk आपके CNI के साथ है, उसको आपने यहाँ पे लगाना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, वहाँ पे आपने अपना पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद जैसे ही आप अपने टीम्स के अंदर मतलब टीम्स में टीम का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, और फिर आपने क्या काम करना है कि लास्ट जो स्टेप है, सिर्फ आपने वेट करना है जब आपको आपका ट्रेनिंग के हवाले से जो लिंक शेयर कर दिया जाएगा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाए या आपको मेल के ज़रिए आ जाता है, तो आपने जस्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वो आपसे एक ऑप्शन पूछी जाएगी कि आप इसको गूगल में ओपन करना चाहते हो या फिर आप इसको टीम सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हो। क्योंकि आपने टीम सॉफ्टवेयर वाला अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, तो जस्ट आप टीम्स के ऊपर वो क्लिक कर दोगे तो आपका जो टीम्स वाला सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा और आप इस मीटिंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। यहाँ तक आपका बहुत ही शुक्रिया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये इस किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें, तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जो है उसको भी क्लिक कर दें। बहुत ही शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।